मैडम आप यहाँ सीढ़ियों पे खड़ी होकर सिगरेट पीकर गंदगी क्यों फैला रही हैं? मैंने अभी अभी तो यहाँ की सफाई की है। तो फिर से साफ कर दे, पैसे किस चीज के मिलते हैं तुझे? मैडम इस तरीके से तो मैं पूरा दिन यही सफाई करता रहूंगा। मैं आपसे बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि आपने सिगरेट पीनी है बाहर जाके पी ले, यहाँ गंदगी मत फैलाए। कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही तेरी, अपनी औकात मत भूल। स्वीपर है तो स्वीपर की तरह ही रह, मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं गंदगी करूंगी और तेरा काम है उसे साफ करना, चाहे तुझे 100 बार साफ करना पड़े, समझा? ये तो वही बुड्ढा है, अभी इससे मजा चखाती हूँ। मैडम ये क्या किया आपने? वो गलती से हो गया मुझसे। मैडम मैंने आपको देखा, आपने जानबूझ के कचरा गिराया है। आप देख भी रही हैं कि मैं सफाई कर रहा हूँ। तू पागल है क्या? मैंने बोला ना गलती से हुआ है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तुझे तो मत कर सफाई। जब तेरी कंप्लेंट होगी ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मुझसे जबान लड़ाने की गलती करी है तूने। अब खड़े खड़े मेरे से बहस क्या कर रहा है? जो गंदगी फैली है उसे साफ कर। मैडम आप रोज रोज यहाँ क्यों गंदगी फैलाती है? अरे मैं आपको मना भी करता हूँ पर आप मानती नहीं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तुझे 100 बार बोला है मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पे कूड़ा फेंकूंगी। तेरा काम है साफ करना, अगर तुझसे नहीं होता ना तो छोड़ दे ये सब। मैडम क्यों गंदगी फैला रही हो आप? और वो बेचारा सही तो बोल रहा है, ये कूड़ा डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रहे हो? मैं नहीं फेंकूंगी। और तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, यहाँ का रेंट पे करती हूँ, तो मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ कूड़ा फेंकूंगी। तुम्हें उससे क्या मतलब है? मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ। ओनर? आप? हाँ मैं। तुम्हारी काफी दिन से कंप्लेंट आ रही थी, ना सिर्फ स्वीपर से बल्कि यहाँ के आसपास के लोगों से, कि तुम किसी से तमीज से बात नहीं करती हो और यहाँ गंदगी फैलाती हो। तो सोचा कि मैं आज देखने चला हूँ, तो देख भी लिया। नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, उल्टा ये मुझसे बदतमीजी करते हैं। बस तुम्हें पता भी है कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? जब से ये बिल्डिंग बनी है, और इनकी आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। और तुम्हें इस महीने का रेंट वापस मिल जाएगा, ये फ्लैट खाली कर देना। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं अचानक से कहाँ जाऊंगी? मेरी बिल्डिंग है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। और तुम कहाँ रहोगी ये मेरा हेडक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी बिल्डिंग में नहीं रख सकता। तो ये फ्लैट खाली करो और जाओ यहाँ से। चाचा आप अपना काम करो। धन्यवाद बेटा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.